फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूफोरिया स्टडी फोरम। आई होप आपको अभी हमारे प्रीवियस चार लेक्चर्स काफी अच्छे लगे होंगे, जिसमें हमने कूलॉम्स लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो हमारे नीट एग्जाम्स, हमारे जेई एग्जाम्स और हमारे बोर्ड्स में आने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो उस पर कुछ एमसीक्यू और कुछ न्यूमेरिकल टाइप डेटा के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो अब आगे हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले मैं आज के सेशन में आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या चीज पढ़ाने वाला हूं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे प्यार से हम क्या कह सकते हैं, CCD। ये कॉफी नहीं है, ठीक है, ये कॉफी नहीं है, लेकिन इसे हम प्यार से CCD कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, ये एक हमारा अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है कि अगर हम इतना एरिया सपोज करते हैं, ठीक है, किसी भी, जैसे ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड में अगर हम इतना एरिया सपोज करते हैं तो हम उसमें ये कहते हैं कि ये इतना सरफेस कितना चार्ज कैरी कर रहा होगा, कितना चार्ज कैरी कर रहा होगा, उसको हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बताएंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बस ये है कि जैसे अगर ये पूरा बोर्ड है तो इसमें कुछ चार्ज हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अगर हमने उस बोर्ड का एक छोटा सा पैटर्न भी लिया, मतलब एक माइक्रो स्ट्रक्चर लिया, क्या लिया, एक माइक्रो स्ट्रक्चर लिया, तो एक हमारा अजम्पशन है कि उस माइक्रो स्ट्रक्चर में भी जो चार्ज है वो कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है, समझ में आया, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये पूरा बोर्ड था, फिर से समझिएगा, ये पूरा बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड का अगर इतना छोटा सा स्ट्रक्चर हम लेते हैं, मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं, एक माइक्रो स्ट्रक्चर लेते हैं, तो ये हो सकता है कि कुछ चार्जेस यहां पे हो, कुछ यहां पे हो, कुछ यहां पे हो, कुछ यहां पे हो, लेकिन हमारा ये अजम्पशन रहेगा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कि इस माइक्रो स्ट्रक्चर में चार्ज उसी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिस तरह वो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड था। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में? हाँ, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज अ टूल, मतलब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिख सकते हैं, इट इज अ टूल विच हेल्प अस टू कैलकुलेट, क्या करने मदद करता है, कैलकुलेट करने की मदद करता है, क्या, टू कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम। मतलब सीसीडी क्या है, सीसीडी एक टूल है जिसकी हेल्प से हम टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे बात आई सिस्टम की। अब सिस्टम को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं। अच्छा, सिस्टम कह लो या बॉडी कह लो, ठीक है, अगर बॉडी की बात आई है तो बॉडी को हम लोग टोटल तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहली बॉडी, वन डायमेंशनल बॉडी, टू डायमेंशनल बॉडी और थ्री डायमेंशनल बॉडी। बॉडी को कितने तरह से डिवाइड किया, तीन तरह से डिवाइड किया, वन डायमेंशनल बॉडी, टू डायमेंशनल बॉडी और थ्री डायमेंशनल बॉडी। अच्छा, अब वन डायमेंशनल बॉडी में क्या आता है, वन डायमेंशनल बॉडी मतलब एक डायमेंशन दिख रहे हो, ठीक है, मतलब कि सपोज करिए ये चौक, इसका सिर्फ ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, मतलब एक थ्रेड सपोज कर लें, क्या, एक थ्रेड, ठीक है, अगर एक थ्रेड सपोज कर लें तो वो वन डायमेंशनल बॉडी हो गया। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर इसी में हम एक स्क्वायर सपोज कर लें तो वो कैसा हो गया, इसके दो डायमेंशंस, तो हम इसे टू डायमेंशनल बॉडी कह देंगे। अगर इसी का हम 3D वर्जन बना लें, ठीक है,
तो हम इसे क्या कह देंगे, थ्री डायमेंशनल बॉडी। इतनी बातें क्लियर हो गई, 1D 2D 3D। अच्छा, 1D के लिए मैंने बताया एक स्ट्रेट लाइन या एक वायर या एक थ्रेड, ठीक है। तो 1D के लिए वन डायमेंशन है तो उसमें कोई एक डायमेंशन होगा, ठीक है, चाहे उसकी लेंथ दी होगी चाहे ब्रेथ दी होगी, कुछ भी दिया होगा एक डायमेंशन दिया होगा, इसीलिए हम उसे 1D कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहां पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा, डेंसिटी। आप सब काफी फैमिलियर होंगे, तो डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, वो कांस्टेंट रहती है। चाहे इतना बड़ा पोर्शन लीजिए तो भी डेंसिटी वही होगी, और इतना छोटा पोर्शन लीजिए तो भी डेंसिटी वही होगी। चेंज क्या करता है, शेप साइज और वॉल्यूम, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम एक वायर लेते हैं तो वन डायमेंशनल बॉडी के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जो हम टर्म यूज करेंगे उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इसको लीनियर क्यों कह रहे हैं, लीनियर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी एक डायमेंशन आ रही है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अब टू डायमेंशन है तो अगर किसी भी बॉडी का हमें दो डायमेंशन दिया हो तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया। क्यों, एरिया, ठीक है, एक डायमेंशन से भी एरिया निकल सकता है अगर वो सर्कल का केस है, ठीक है। लेकिन अगर सर्कल ऐसे रखा हुआ है तो सिर्फ हमें तो ये दिख रहा ना, हम उसको ये नहीं अज्यूम कर सकते कि इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। जब वो किसी बॉडी पे रखेगा फिर उसका पूछते हैं कितना एरिया ये कवर कर रहा, ठीक है। तो 2D के लिए हम क्या यूज करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या यूज करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। अच्छा, अगर 3D स्ट्रक्चर आ जाता है, मतलब 2D स्ट्रक्चर तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, या रेक्टेंगल हो गया, लेंथ है कुछ ब्रेथ है, तो अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो हम L और B सबको ऐड करके मतलब पेरीमीटर लिख देंगे, मैं इसको अभी आगे डिस्कस करूंगा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए मतलब ये एरिया की बात हो रही है, इस एरिया की बात हो रही है, इस एरिया की। और जब लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात होती है तो वो इस एरिया की बात होती है, लेकिन जब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है, मैं इसे अलग कलर के चौक से दिखाता हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है तो इस एरिया की बात हो रही है जो पीले रंग से शेडेड है, ये सरफेस पूरा बता रहा ना, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जो ये ऑरेंज वाला बता रहा, ये बता रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अगर थ्री डायमेंशन दिए हुए हैं इस ऑब्जेक्ट के, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अब हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इस तीसरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज, क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रो से, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो अब हम ये ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन किया, ये ग्रीन किया और ये ग्रीन किया, इस पूरे के वॉल्यूम का जब हम निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे कि क्या है वो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके और पीछे जाके ये देख लीजिएगा कि मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे स्क्वायर पे रिप्रेजेंट किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे वहां पर रिप्रेजेंट किया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे शो कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई चार्ज डेंसिटी की, लेकिन सर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसका क्या रोल, अब मैं वही चीज आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो पहले हम टर्म जो उठाएंगे वो क्या उठाएंगे, 1D ऑब्जेक्ट के लिए, 1D ऑब्जेक्ट के लिए, और उसका नाम क्या दिया हम लोगों ने, कहा लीनियर, क्या कहा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है।
अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी में अगर हम देखें कि ये कोई वायर है, ठीक है, अगर ये कोई वायर है और इसका एक छोटा सा एलिमेंट, इतना छोटा सा एलिमेंट अगर हम सपोज करें, इतना छोटा सा, ये जो ग्रीन कलर से शेडेड है, तो इस छोटे एलिमेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स, और ये टोटल लेंथ कितनी है, एल, ये टोटल लेंथ कितनी है, एल। तो इतना छोटा सा अगर dx है तो ये छोटा सा कितना चार्ज कंटेन कर रहा होगा, तो हम कह देंगे dq, ठीक है। इतना छोटा सा एक एलिमेंट लिया dx, याद है ना, dx अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे l तक, तो ये क्या टोटल लेंथ दे देगा, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx, तो उतने में कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे CCD के अकॉर्डिंग, dq चार्ज। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए इसको निकाला है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो लैम्डा को लिखा कैसे जा सकता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू, कितना चार्ज है उतने लेंथ में, ये क्या बताता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। भाई डेंसिटी यही तो है कि वो कितना चार्ज कंटेन किया है उतनी छोटी सी लेंथ में, कितना छोटा सा चार्ज वो उतनी छोटी लेंथ में रखा हुआ है। तो इसकी हेल्प से, लैम्डा की हेल्प से हम इस पूरे बॉडी में कितना चार्ज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना प्लीज, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं dq, dq इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dx, क्यों, सही है। अच्छा, अगर अब इन दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन करें, इसको करते हैं जीरो से एल तक, तो dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q, ठीक है, लैम्डा हमारा कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, लिमिट हो जाएगी जीरो से l तक, फिर यहां से q इज इक्वल्स टू लैम्डा l, तो यहां से क्या आ गया, q इज इक्वल्स टू लैम्डा l, मतलब अगर कोई रॉड हमें दे रखी है और उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें दे रखा है, तो हम उसकी लेंथ से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज कैरिंग ऑन द वायर, मतलब टोटल चार्ज वायर जो कैरी कर रहा है। मैं इसको इंटरेस्टिंग बना रहा हूं अभी आगे आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मैं यहां पे भी आपको एक एप्लीकेशन इसका बताऊंगा, ठीक है। तो हम इसे एक कॉर्नर पे लिख लेते हैं, तो हमने पहले 1D वाले के लिए क्या पाया, 1D वाले के लिए, 1D वाले के लिए पाया Q इज इक्वल्स टू लैम्डा L, ठीक है, ये तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बात हो गई। अच्छा अच्छा, अगर अब हम इसी चीज को क्या करें, 2D ऑब्जेक्ट के लिए लिखें, तो क्या हो जाएगा, सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, 2D ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये 2D ऑब्जेक्ट हमारा ये हो सकता है, इसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेथ होगी, अगर हम ये छोटा सा एरिया लेते हैं, ये शेडेड पोर्शन लेते हैं, ठीक है, ये शेडेड पोर्शन जो हैच है, तो इसका एरिया क्या हो सकता है, हम छोटा एरिया ले लेते हैं ds, और इस पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, s, ठीक है। तो ये ds कितना कंटेन करेगा, अभी जैसे बताया dq कंटेन करेगा, क्यों, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस वजह से dq कंटेन करेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब सिग्मा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। तो अब सिग्मा को क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू, जैसे पीछे लिखा था, चार्ज अपॉन ds सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, तो रो इज इक्वल्स टू dq अपॉन ds, मतलब उतने छोटे से एरिया में कितना छोटा सा चार्ज है वो कौन बताता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बताता है। तो अब यहां से इसको क्या लिखा जा सकता है, यहां से अगर हम आगे लिखें तो लिख सकते हैं dq इज इक्वल्स टू सिग्मा ds, क्या लिख सकते हैं, dq इज इक्वल्स टू सिग्मा ds, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, इंटी जैसे पीछे इंटीग्रेट किया था,
तो यहां पे एरिया की बात हो रही है, तो टोटल एरिया हमने कितना सपोज किया है, एस। तो यहां से क्या हो जाएगा, जीरो से एस तक, यहां से फिर हमें क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा एस जीरो से एस तक, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा एस। मतलब अगर हमें किसी बॉडी का, टू डायमेंशनल बॉडी का सरफेस एरिया दिया हुआ है और सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल चार्ज ऑन दैट सरफेस। क्यों, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, यस, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस, फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा एस। अब इस फॉर्मूले को फिर से यहां लिख लेते हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या आया, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा एस, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम 3D ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अब इसमें मैं डिराइव नहीं करने वाला भाई, इसी तरह होगा, ठीक है। 3D क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम में ऐसा शेप बनेगा, ठीक है, एक क्यूब सपोज कर लेते हैं, क्यूबॉइड सपोज कर लो। तो अगर हम डीवी मतलब एक छोटा सा वॉल्यूम लेते हैं, ऐसा वॉल्यूम, ठीक है, जो पोर्शन हमने हैच किया है, तो इस छोटे से वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा, डीवी वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा, डी क्यू चार्ज आएगा, और इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, वी है। तो सेम उसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। तो हम रो को क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डीवी। अच्छा, अब यहां से मैं एक स्टेप स्किप मारूंगा, प्लीज आप लोग जैसे पिछले किया था ना, इसको इधर ले जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो टोटल चार्ज कितना निकल के आएगा, मैं डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूं, क्यू इज इक्वल्स टू रो वी, ये आ गया। मतलब अगर किसी भी बॉडी का हमें वॉल्यूम दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखा है, तो वो कितना चार्ज कंटेन कर रहा है ये हम बता सकते हैं कैसे, Q इज इक्वल्स टू रो वी। तीसरा फॉर्मूला क्या हो गया, Q इज इक्वल्स टू रो वी, ठीक है। ये तीन चीज मैंने इसलिए यहां पे डिस्कस की क्योंकि इसका आगे आने वाले चैप्टर में काफी यूज है। अच्छा, और यहां पे भी एक यूज है, कहां पर, कूलम्स लॉ में, मैं अभी दिखाता हूं आपको, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कूलम्स लॉ में पढ़ा था इलेक्ट्रो, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रो, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो वहां पे क्या कहा था कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक चार्ज जो है वो मेरा पॉइंट है और एक चार्ज कैसा है, लाइन है, तो कितनी चार्ज होगा, मतलब तो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो वो हम कैसे बता सकते हैं, इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये लाइन है तो इसके लिए हमें क्या दिया होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वहां से हम इसका टोटल चार्ज और इस पॉइंट का कुछ चार्ज दिया होगा, उसको हम लिखकर अपना सोल्यूशन पा सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो आइए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो सपोज क्या करते हैं कि एक ये पॉइंट क्यू है और एक ये वायर है एल लेंथ का, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है और जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तीनों के लिए हम लोग एक ही क्वेश्चन से देख लेंगे। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा जाए तो क्या लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है सर, बताइए भैया आप लोग, r स्क्वायर है, दोस्तों इंटरेक्टिव रहिएगा, r स्क्वायर है। अच्छा, q1 की वैल्यू कितनी हो गई, q हो गई, एग्री। q2 की वैल्यू कितनी होगी, यहां तो दे नहीं रखा, फिर हमें क्या याद आएगा, ये फॉर्मूले जो हमने यहां पे लिख रखे हैं, क्या लिख रखा है, पहला फॉर्मूला q इज इक्वल्स टू लैम्डा एल,
सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और ये क्या दे रखा है, एल लेंथ है। तो क्यू टू यहां से क्या हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, क्यू वन हमारा क्या है यहाँ पे क्यू है, और क्यू टू क्या हो जाएगा लैम्डा एल। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहां पे, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अ वायर। ठीक है, एक वायर की वजह से, तो कितना हो जाएगा फोर्स की वैल्यू, 1/4 πε0 Q1 कितना हो गया Q, और Q2 कितना हो गया लैम्डा L, डिस्टेंस R स्क्वायर। समझ में आया, तो इसको हम लोग यहां पे क्या लिख दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अ वायर ऑफ लेंथ L। ये समझ में आया, किसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज कैरिंग वायर, वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, बस चीजों को रिलेट करते रहिए। अच्छा, ये तो हो गया किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अ वायर के लिए। अच्छा, अगर मैं यहां पे कहूं कि ये वायर नहीं, यहां पे एक रेक्टेंगुलर बॉडी है जिसका सरफेस एरिया क्या है, एस है, तो Q2 क्या हो जाएगा दोस्तों, Q1 तो Q रहा, Q2 क्या हो जाएगा मेरा, Q2 हो जाएगा क्या, Q2 हो जाएगा मेरा सिग्मा इंटू एस। बताया था ना, सिग्मा इंटू एस क्या देता है, उस सरफेस में कितना चार्ज कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो, इसको लिख लीजिएगा, स्टैटिक फोर्स ड्यू टू अ टू डायमेंशनल बॉडी या अ स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया एस। तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 πε0 Q1 क्या है, Q है, Q2 क्या है, सिग्मा एस है, अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स हो गया किसके लिए, ये फोर्स हो गया हमारा, कोई सरफेस रखा हुआ है और एक चार्ज रखा हुआ, उन दोनों के बीच में कितना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, 1/4 πε0 Q सिग्मा एस अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अगर वॉल्यूम के लिए दिया जाए तो जो वॉल्यूम का है वो आपका होमवर्क रहेगा, वो आप करके बताओगे। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, वॉल्यूम के लिए क्या रहेगा, 1/4 πε0 Q, यहां पे क्या हो जाएगा, रो वी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग Q3 Q2 कहां से निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे, इसमें पुट करोगे वही वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा, इतना समझ में आया, आई होप आपको ये लेसन थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन को दबाइएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो क्या करना है, शेयर करना है, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इसी के भाई है। ये क्या था, छोटा बच्चा था, अब इसके बड़े भाई लोग आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का सेशन एंड करता हूं, आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।